गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस, सो टेक आउट योर ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 51। देयर यू कैन सी द चैप्टर नेम वर्ब टेंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। टेंस इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज टू इंडिकेट द टाइम। क्या दिया है? टेंस एक क्रिया आधारित विधि है, ठीक है। यूज टू इंडिकेट द टाइम, इसका यूज़ किया जाता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए, यानी टाइम को दिखाने के लिए। एंड सम टाइम द कंटिन्यूशन और कम्प्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, और कभी कभी कंटिन्यूशन और कम्प्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, और कभी कभी एक एक्शन यानी एक काम के कम्प्लीट होने या फिर लगातार होते रहने को भी दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और स्टेट इन रिलेशन, या फिर स्टेट इन रिलेशन मतलब कि रिलेशन में, रिलेशन की जो अवस्था होती है यानी हालत होती है, उसको भी दिखाने के लिए टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने स्पीकिंग यानी बोलते समय, यानी जब बोली जा रही होती हो बात, तो उसको भी दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? टेंस का यूज़ किया जाता है। ईच ऑफ देम हैज़ फोर फॉर्म्स, हर एक टेंस की चार फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? चार फॉर्म होती है। सबसे पहला है सिंपल, ठीक है। दूसरा है प्रोग्रेसिव, जिसे कंटिन्यूस भी बोलते हैं। तीसरा है परफेक्ट, एंड चौथा है परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लेट्स स्टडी द थ्री टेंसेस, यानी चलो पढ़ते हैं, चलिए सीखते हैं तीन टेंस के बारे में इन द अबोव फॉर फॉर्म्स वन बाई वन, जो ऊपर दिए गए चार फॉर्म हैं उनके बारे में एक एक करके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया ना। सेंटेंस के बारे में मैंने बताया आप लोग को प्रीवियस चैप्टर में। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इट इटसेल्फ, मतलब कि सेंटेंस लफ्ज़ों का एक सेट, सॉरी, सेंटेंस लफ्ज़ों का यानी शब्दों का एक सेट होता है जो खुद अपने आप में कंप्लीट होता है। टाइपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब कि इसमें जनरली मतलब एक सब्जेक्ट शामिल होता है, एक प्रेडिकेट शामिल होता है। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेंट और कमांड। और क्या कहता है ये, किस बारे में? एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, क्वेश्चन के बारे में बताता है, एक्सक्लेमेशन या कमांड के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। सेंटेंस के टाइप्स भी मैंने आप लोग को बताया, लेकिन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है असेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो सादा जुमले बयान करते हैं, ठीक है। जैसे या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं किसी के बारे में, मतलब जानकारी देते हैं। जैसे जैद रीड्स अ बुक, जैद एक किताब पढ़ता है, ठीक है, ये हमारा असेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि असेटिव सेंटेंस की भी दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे पॉजिटिव बात का जिक्र हो, यानी जो पॉजिटिव बात होता है, जिसमें नो, नॉट, नेवर, नहीं, ये सब का यूज़ ना हो, ठीक है। जैसे यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो, ठीक है, इसमें नॉट आया, नहीं आया। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है, ठीक है। ये सेंटेंसेस में कहीं भी नो, नॉट का यूज़ नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे पॉजिटिव बात का जिक्र हो, पॉजिटिव बात बताई जाए, बोली जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनसे निगेटिव बात का पता चले। जैसे यू आर नॉट राइटिंग, ठीक है, शी इज़ नॉट लॉफिंग, ये हमारा असेटिव सेंटेंस हो गया। असेटिव सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें निगेटिव बनाने के लिए, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट, डजंट, कांट, हैवंट एक्सेट्रा, ऐसे मतलब वर्डों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सवाल किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट, वेयर, हाउ जैसे वर्ड्स को पहले यूज़ करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का पता चले। जैसे सिट डाउन हियर, प्लीज़ गिव मी योर पेन,
स्विच ऑफ द फैन, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। और इस तरह के सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज़ पहले किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनसे एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार हो। ठीक है, जैसे अलास शी इज़ डेड। दूसरा है व्हाट एन आइडिया, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे लफ्ज़ों से खुशी, दुख, ताजुब, ये सब का जिक्र होता है। इन लफ्ज़ों के आखिर में अक्सर इंटरजेक्शन मार्क लगता है। ठीक है, मगर जब सेंटेंस में अलास, आ, हुरे, ये सब का यूज़ हो तो ये सब वर्ड के फौरन बाद इंटरजेक्शन मार्क का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। द सिंपल सेंटेंस यानी द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम विच इज़ नॉट फिनिश। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है एक एक्शन को, एक ऐसे एक्शन को जो प्रेजेंट टाइम में होता है और प्रेजेंट टाइम में होता है और फिनिश नहीं होता है, विच इज़ नॉट फिनिश और फिनिश नहीं हुआ है। इट कैन बी अ हैबिचुअल एक्शन और अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हो सकता है, एक हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन मतलब कि जो हम आदत के मुताबिक होता है, जैसे कि मैं रोज़ डेली सुबह में जॉगिंग पे जाती हूँ या वॉक पे जाती हूँ, या मैं रोज़ाना सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूरब से निकलता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट दिया है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं उसको हम बनाएंगे कैसे। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें मिला है हिंदी का, तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना हमें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कब लिखना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद, सॉरी अगर आगे मैं बताऊंगी आगे क्या है। ठीक है, पॉजिटिव ये हो गया। फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट डू डज, वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन सवालिया जुमले हैं, तो डू डज का यूज़ हम सेंटेंस में पहले करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट डू डज का यूज़ कर लिए, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है नोट, डू यूज़ विद आई यू वी दे, क्या दिया है, डू का यूज़ हम आई यू वी दे के साथ करते हैं। डज यूज़ विद ही शी इट, और डज का यूज़ कब करते हैं, ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं और इट के साथ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है आई डोंट गो टू स्कूल, ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, आई गो टू स्कूल ये हमारा पॉजिटिव है, डू आई गो टू स्कूल ये हमारा इंट्रोगेटिव है। चौथा है डज शी गो टू स्कूल, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो आज इतना आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, और मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 10 सेंटेंस मतलब कि 10 हिंदी के वाक्य लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए और मुझे सेंड करिए। ठीक है, मैं देखती हूँ आप लोग को कितना समझ में आया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।